नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चलो अपने आगळना पीरियड नी अंदर सामान्य रीतना कार्बन चक्र विषे बात करी, बराबर। हवे अपने आ चेप्टर नो छेलो टॉपिक सामान्य रीतना ऑक्सिजन चक्र, बराबर। हवे सामान्य रीतना अपने घणा सामान्य रीतना नैसर्गिक स्रोतों में अपने घणी बधी बात करी गया छे अने वातावरण में घणा बधा वायुओ होय, बराबर ने। हवे एमां सामान्य रीतना आपणे आगळ घणा बधा वायुओनी वात करी चूक्या, हवे आपणे आ छेलू चक्रनी वात करीए, ऑक्सिजन चक्र। हवे आपणे आगळना धोरणथी ज, हवे जो पहेला तो ऑक्सिजननी वात करीए तो निर्जीव घटक अने सजीव घटक, निर्जीव घटक अने जैविक, बराबर। निर्जीव घटक अने जैविक घटकोना सामान्य रीतना बेना एक प्रकारना समूह द्वारा क्यूँ चक्र बने, तो कि भाई ऑक्सिजन चक्र बने। हवे आपणे वात करीए ऑक्सिजन चक्र में बे भाग पाड़ीए आपणे, बराबर। हवे आपणे खबर ज छे के भाई पृथ्वीना वातावरणनी अंदर ऑक्सिजननुं प्रमाण केटला टका छे, तो के 21%। हवे आपणे खबर ज छे के ऑक्सिजन ई क्या स्वरूपे होय, तो के निर्जीव घटक तरीके। तो आपणे सामान्य रीतना ऑक्सिजननी वात करीए बे घटकोनी वात करीए, एक निर्जीव घटकनी वात करीए अने एक सजीव घटकनी वात करीए। पहेला वात करीए आपणे निर्जीव घटक, बराबर। निर्जीव घटक में आपणे पहली वस्तुनी वात करीए के आपणे खबर ज छे के वातावरणनी अंदर ऑक्सिजन केटला टका होय, तो के 21%। पछी आपणे बीजी वस्तुनी वात करीए तो सामान्य रीतना हवे जो वातावरणनी अंदर ऑक्सिजन होय ई क्या क्या स्वरूपे होय आपणे एनी वात करीए। तो पृथ्वीना पोपड़ामां सामान्य रीतना ऑक्सिजन क्या स्वरूपे होय, तो के कार्बन डाइऑक्साइड स्वरूपे होय, बराबर। एकलो ऑक्सिजन न हो, क्या भेगो हो, तो कार्बन साथ, तो कि कार्बन डाइऑक्साइड स्वरूपे पृथ्वीना पोपड़ा में। पची ईज रीतना धातु अने सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन साथ ऑक्सिजन जोड़ाई गयेलो हो, धातु साथ ऑक्सिजन जोड़ाई गयेलो हो, पण क्या, तो भाई पृथ्वीना पोपड़ा में एटले के जमीननी अंदरनी आपणे वात करी, तो जमीननी अंदर ऑक्सिजन क्या क्या स्वरूपे हो, तो कि कार्बन डाइऑक्साइड स्वरूपे, धातु भेगो जोड़ाई गयेलो होय अने सिलिकॉन ऑक्साइड ना स्वरूप में, एटले के सिलिकॉन साथे ऑक्सिजन जोड़ाई गयेलो होय, पण क्या, जमीननी अंदर। तो सिलिकॉन ऑक्साइड ना स्वरूप में संयोजन रूपे ऑक्सिजन मळी आवे छे, तो आ बधा एरे कोण जोड़ाई गयेलो होय, ऑक्सिजन, पण क्या, तो के भाई जमीननी अंदर एटले के पृथ्वीना पोपड़ा में। तो आ सामान्य रीतना क्या स्वरूपे होय, तो के निर्जीव स्वरूपे। चलो बीजी बात करिए, हवे आपणे बात करिए सजीव घटकों तरफ। तो जैविक अणुओ के ने कहेवाय के जे आपणे जीववा माटे मददरूप थाता होय एवा अणुओ। तो जैविक अणुओ कार्बोदित, प्रोटीन, चरबी अने न्यूक्लिक एसिड में आवश्यक घटक तरीके होय। तो आपणा शरीरना जीववा माटेना जे घटको जे छे आपणा शरीरनी अंदर, कार्बोदित, प्रोटीन, चरबी अने न्यूक्लिक एसिड, तो आवश्यक घटक तरीके क्यों वायु होय, तो के ऑक्सिजन, बराबर ने। तो सामान्य रीतना आ बधी जो आपणे अत्यार सुधीमां बधा ज, धारो कि नाइट्रोजन चक्रनी वात करता होय, कार्बननी वात करता होय के ऑक्सिजननी वात करीए, तो आ बधा ज वायुओनो उपयोग सामान्य रीतना तमे आपणे बधाए जोयुं हशे के कार्बोदित, प्रोटीन, चरबी, न्यूक्लिक एसिड, आ बधा ज वायुओनो उपयोग एनी अंदर थाय छे। तो आपणे ऑक्सिजननी वात करीए तो जैविक अणुओ जीवा माटेना जे अणुओ छे आपणा शरीरनी अंदर, कार्बोदित, प्रोटीन, चरबी अने न्यूक्लिक एसिड, बराबर, तो आवश्यक घटक तरीके होय। चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे एक आ चक्रनी वात करीए। हवे जो आ चक्र छे सामान्य रीतना जो आपणे जेम आगळ वात करी हती कार्बन चक्रमां, एम जो आ कार्बन चक्र, आ ऑक्सिजन चक्र आवड़े, तो एवी ज रीते सामान्य रीतना जो आ ऑक्सिजन चक्र आवे तो आपणे जे आखू ऑक्सिजन चक्र तमने समझाई जाए। जोजो आमां थोड़ूक ऊंधू छे। पहेला तो वातावरणमांनो ऑक्सिजन हवे आपणे क्या स्वरूपे लईए, श्वसननी क्रिया करीए, बराबर। आपणे श्वसननी क्रिया करीए, हवे आपणे श्वसननी क्रिया करीए तो आपणे वात खबर छे कि श्वसननी क्रिया दरमियान आपणे काले ज, आजे ज, एटले कि आपणे कार्बन डाइऑक्साइड चक्रमां वात करी हती कि ज्यारे आपणे ऑक्सिजन लईए ત્યારે સામાન્ય રીતના ખોરાક ક્યાં સ્વરૂપે હોય, તો કે ભાઈ ગ્લુકોઝ સ્વરૂપે,
तो ग्लूकोज स्वरूपे જ્યારે ખોરાક હોય એ છૂટો પડે અને એમાંથી કેમાં રૂપાંતર એમાંથી કયો વાયુ ઉત્પન્ન થાય તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પછી એ જ રીતના આપણે વાત કરીએ બીજી શ્વસનની ક્રિયામાં કે વનસ્પતિ હોય વનસ્પતિ તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી વાતાવરણમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને જમીનમાંથી પાણી બેનો ઉપયોગ सामान्य रीतना बन्ने नो उपयोग करी अने प्रकाश संश्लेषण नी क्रिया दरमियान खोराक बनावे तो खोराक क्या स्वरूपे बनावे तो के ग्लूकोज स्वरूपे अने वातावरण में क्यों वायु छोड़े तो के ऑक्सीजन बीजा चक्रों नी सापेक्ष में आ चक्रों में थोड़ूक अलग से आमा थोड़ूक आपणे ऊंधू पण जावू जोशे फरीथी वातावरण में ऑक्सीजन आपणे ज्यारे श्वास नी क्रिया करिए त्यारे आपणा शरीर नी अंदर क्या स्वरूपे खोराक होय तो ग्लूकोज स्वरूपे कार्बन चक्र में आपने बात करी कि भाई ग्लूकोज स्वरूप खोराक हो छूटो पड़े एटले एमांथी क्यों वायु उत्पन्न थाय तो के कार्बन डायोक्साइड पछी आगळ आपने बात करिए तो वनस्पति वातावरण में कार्बन डायोक्साइड अने जमीन में पानी अने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दरमियान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दरमियान खोराक बनावे खोराक क्या स्वरूपे बनावे तो के ग्लूकोज स्वरूपे खोराक बनावे अने क्यों वायु छोड़े तो के ऑक्सीजन वनस्पति क्यों वायु बहार काटे तो के ऑक्सीजन तो विद्यार्थी मित्रों तमने ऑक्सीजन चक्र समझाई गई जैसे बधाथी सेलामां सेलू चक्र जे होय तो ऑक्सीजन चक्र बाद आपणे श्वसननी क्रिया ऊंधू जवानुं छे श्वसननी क्रियामांथी ग्लूकोज स्वरूपनो जे खोराक होय छूटो पड़े एटले क्यों वायु उत्पन्न थाय कार्बन डायोक्साइड बीजी वात करीए वनस्पति वातावरणमांनो कार्बन डायोक्साइड अने पाणीनो उपयोग करी अने प्रकाश संश्लेषणनी क्रिया दरमियान खोराक बनावे तो खोराक क्या स्वरूपे बनावे तो ग्लूकोज स्वरूपे क्यों वायु बहार काढे तो के ऑक्सीजन तो आवी रीतना फरीथी वातावरणनी अंदर ऑक्सीजननु शुं थाय तो के पुनः स्थापन थाय चलो एनाथी आगळ वात करी हवे ऑक्सीजनना आपणे उपयोगनी वात करीए बराबर तो आपणे बधाने खबर ज छे के आपणे क्यों आपणे श्वासमां क्यों वायु लईए तो के ऑक्सीजन तो आपणे खबर छे के वातावरणमां ऑक्सिजनो क्या क्या उपयोग थाय तो के दहनमां एटले के कोई वस्तुने सळगावी होय तो एमां ऑक्सिजननो उपयोग थाय श्वसनमां आपणे जे श्वासनी क्रिया करीए तो आपणे श्वसनमां उपयोग थाय अने बीजुं नाइट्रोजन ऑक्साइड आपणे आगळ क्यांक आव्युं हतुं के नाइट्रोजन वातावरणमांनो नाइट्रोजन अने ऑक्सिजन साथे प्रक्रिया करी अने नाइट्रोजन ऑक्साइड बनावे नाइट्रोजन चक्र में क्या आव के नाइट्रोजन अने ऑक्सिजन साथे प्रक्रिया करी नाइट्रोजन ऑक्साइड अने आ नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी साथे भळी जाए एटले के पानीनुं केमां रूपांतर थाय एसिड में अने ई वर्षा क्या स्वरूपे आवे तो के एसिड वर्षा स्वरूपे तो आपणे एसिड वर्षानी अंदर आपणे आ जोयुं हतुं नाइट्रोजन ऑक्साइड तो नाइट्रोजन अरे ऑक्साइड भळी जाए तो आवी रीतना वातावरणमांनो ऑक्सिजननो उपयोग थाय नाइट्रोजन अरे भळी अने नाइट्रोजन ऑक्साइड માં નિર્માણમાં વપરાય છે તો નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડના નિર્માણમાં વપરાય બીજી વાત કરીએ તો શ્વસનની ક્રિયામાં ઓક્સિજન જરૂરી છે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું જરૂરી નથી કે આપણે જેમ ઓક્સિજન જરૂર છે તો પ્રત્યેક જીવોને ઓક્સિજનની જરૂરિયાત હોય જ અમુક સૂક્ષ્મ જીવો એવા પણ છે કે જેના માટે ઓક્સિજન ઝેર સમાન છે હવે એ ઝેર સમાન આપણે પ્રશ્ન ઓહો ઝેર સમાન એ કઈ રીતના તો આપણે જ્યારે નાઇટ્રોજન ચક્રમાં જે ઓલા બેક્ટેરિયા હતા બરાબર કે જે વનસ્પતિને કયો વાયુ આપતા હતા નાઇટ્રોજન તો જ્યારે વનસ્પતિને જે આ બેક્ટેરિયા જ્યારે નાઇટ્રોજનનું જ્યારે જમીનમાં સ્થાપન કરતા હોય ત્યારે એના માટે ત્યારે એ આ જે સૂક્ષ્મ જીવો છે એ ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરતા નથી કેમ કે ઓક્સિજનનો ઉપયોગ એના માટે ઝેર સમાન છે બરાબર બધા એવું જરૂરી નથી કે બધા જ સૂક્ષ્મ જીવો છે એ શ્વાસમાં ઓક્સિજન જ લેતા હોય જેમ કે આપણે વાત કરી હતી ઓલા સિમ્બી કુળના રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા છે તો એ કયો વાયુનો ઉપયોગ કરે નાઇટ્રોજન એના માટે ઓક્સિજન ઉપયોગી નથી બરાબર તો કેટલાક બેક્ટેરિયા માટે ઓક્સિજન ઝેર સમાન છે બરાબર અને આપણે આગળ વાત કરીએ ઓક્સિજનનું મુક્ત થવું તો આપણે મુક્ત થવાની ક્રિયામાં આપણે વાત કરી ચૂક્યા છીએ કે હરિત દ્રવ્ય ધરાવતી લીલી વનસ્પતિઓ કે જે વનસ્પતિઓ છે વાતાવરણમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જમીનમાંથી પાણી બરાબર જુદા જુદા ખનિજ સારો પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરે અને વનસ્પતિ શું બનાવે ખોરાક બનાવે કયા સ્વરૂપે ખોરાક બનાવે તો કે ગ્લુકોઝ સ્વરૂપે ખોરાક બનાવે
खोराक प्रकाश संश्लेषण क्रिया दरमियान क्या वायु नो उपयोग करे? कार्बन डाइऑक्साइड नो। तो त्यारे सामान्य रीतना आ क्रिया दरमियान क्यों वायु वनस्पति श्वास माथी बहार काढे छे? तो आ क्रिया द्वारा ऑक्सीजन वातावरण में पाछो मुक्त कराए। तो आवी रीतना वातावरण नी अंदर ऑक्सीजन नु शू थाय छे? पुनः स्थापन थाय छे। तो चालो विद्यार्थी मित्रों लगभग तो आपणे ऑक्सीजन में निर्जीव घटक सजीव घटक निर्जीव घटक नी अंदर जमीन ना अंदर रहेला ऑक्सीजन क्या क्या स्वरूपे होय? 21% अने सामान्य रीतना आपणे सामान्य रीतना सजीव घटक ऑक्सीजन नो क्या क्या स्वरूपे उपयोग आपणे जैविक घटकों में केने केने जरूर होय ऑक्सीजन नी? कार्बोदित प्रोटीन चरबी न्यूक्लिक एसिड नी आपणे वात करी, ऑक्सीजन चक्रों नी आपणे वात करी, श्वसन नी क्रिया, ग्लूकोज स्वरूप नो खोराक छूटो पड़े, कार्बन डाइऑक्साइड वायु उत्पन्न थाय, वनस्पति नी वात करी, कार्बन डाइऑक्साइड नो उपयोग करे, पानी द्वारा प्रकाश संश्लेषण नी क्रिया करे, खोराक बनावे, खोराक क्या स्वरूपे बनावे? ग्लूकोज स्वरूपे, अने क्यों वायु बहार काढे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ना उपयोग नी वात करी, दहन श्वसन अने नाइट्रोजन ऑक्साइड में अमुक जीवो आपणे सामान्य रीते श्वसन नी क्रिया माटे ऑक्सीजन जरूर छे, पण अमुक सूक्ष्म जीवो माटे ऑक्सीजन झेर समान छे, बराबर। अने आपणे खबर छे कि लीली वनस्पतिओ प्रकाश संश्लेषण नी क्रिया दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड नो उपयोग करे अने श्वासमांथी क्यो वायु बहार काढे? ऑक्सीजन। एटला माटे ज आपणे कहेता होय बधाने के सामान्य रीतना वृक्षो वधारेमां वधारे वाववामां आवे, बराबर, તેમ વાતાવરણની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ ઘટે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા સુધીનું રાખીએ, બરાબર। તો આપણે હવે આપણા આ ચેપ્ટરની આપણે પૂર્ણ કર્યું, પૂર્ણાહુતિ જાહેર કરીએ છીએ, એટલે આપણું નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો આપણું ચેપ્ટર પૂરું, બરાબર। હવે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આપણે નવા ચેપ્ટરથી શુભ શરૂઆત કરશું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોરોના મહામારીના કારણે તમે પોતપોતાનું સ્વાસ્થ્યની જાળવણી રાખજો, બરાબર છે, અને સામાન્યના દરરોજના માટે જેમ જેમ આપણે વિડીયો લેક્ચર આવે એમ એમ આપણે મળતા રહેશું। અભ્યાસમાં ધ્યાન આપજો, ન સમજાય તો પૂછી લેજો। ચાલો તો અહીંયા સુધી રાખીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો।